नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। साल 2021 का आगाज होने जा रहा है, ऐसे में भारत के उत्तर में ठंड का स्तंभ जारी है। ऐसे में सर्दी के मुकाबले ज्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि आने वाले 4 दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड बढ़ सकती है और कोहरे का भी कहर जारी रहेगा। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड को लेकर दिल्ली समेत पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बिहार में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वांचलों में शीतलहर के साथ ही कोल्ड डे की संभावना भी जताई है। हरियाणा सरकार ने जिला गुरुग्राम में नए नगर निगम मानेसर का गठन करने का निर्णय लिया है, जिसमें 7 लगते 29 गांवों को शामिल किया जाएगा। इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एसटेट के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बुधवार को दोपहर बाद से बोर्ड वेबसाइट पर 2 व 3 जनवरी को होने वाली परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अध्यापक बनने के लिए आवश्यक अध्यापक पात्रता परीक्षा में 261,299 परीक्षार्थी 355 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा देंगे। यह जानकारी बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगवीर सिंह ने भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। हरियाणा विधानसभा ने बीते सत्र में पंचायती राज संस्थाओं में जो 3 नए कानून बनाए हैं, उनमें पंचायती राज संस्थाओं में समान प्रतिनिधित्व, पिछड़े वर्ग को 8% आरक्षण और राइट टू रिकॉल है। महिलाओं को समान प्रतिनिधित्व ऑड इवन के आधार पर तय होगा, जबकि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए अलॉट ऑफ ड्रा किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि पंचायत विभाग द्वारा अभी तक नियमावली तैयार नहीं की है। वर्तमान चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल फरवरी में पूरा हो जाएगा, क्योंकि वर्ष 2016 में फरवरी में ही प्रतिनिधियों को सरकार ने शपथ दिलवाई थी। हरियाणा कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। इसमें सरकार ने गांव में 2% पंचायत टैक्स लगाने का फैसला किया है, जिससे अब हरियाणा के गांव में बिजली महंगी होगी। सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रदेश सरकार से ग्रामीण उपभोक्ताओं पर लगाए 2% पंचायत टैक्स को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। महाराष्ट्र के बाद अब राजस्थान और कर्नाटक में भी न्यू ईयर की पार्टी पर रोक लग गई है। इस दौरान 3 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। महाराष्ट्र में मंगलवार रात से ही नाइट कर्फ्यू लागू है। कर्नाटक में आज रात 11 बजे से लग जाएगा। राजस्थान में 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। राजस्थान सरकार ने कहा 31 दिसंबर की रात 8 बजे से 1 जनवरी की सुबह 6 बजे तक राज्य के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। केंद्र सरकार ने SC कैटेगरी के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप फंड 5 गुना बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्टूडेंट को हायर एजुकेशन में आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत देश के 4,000 SC कैटेगरी के छात्रों को दिए जाने वाले स्कॉलरशिप के लिए 35,534 करोड़ रुपए जारी करेगी। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद यानी DDC चुनाव का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। 280 में से 278 सीटों की स्थिति अब साफ हो गई है। 2 सीटों पर चुनाव स्थगित हो गया है। सबसे ज्यादा 110 सीटें पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन यानी PAGD के खाते में गई हैं। भाजपा 75 सीटें जीतकर इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये रिजल्ट कई मायनों में अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार घाटी यानी कश्मीर में भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिली है। वहीं भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले जम्मू में गुपकार अलायंस को 34 सीटें जीतने में कामयाबी मिली है। ये रिजल्ट बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत में बदलाव आ रहा है। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच बुधवार को एक बार फिर इंडियन आर्मी चीफ MM नरवणे ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पहुंचे। यहां उन्होंने 14,000 फीट की ऊंचाई पर रेचिनला फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में तैनात जवानों से मुलाकात की। अफसरों के साथ बैठक करके हालात की जानकारी ली। आर्मी चीफ ने LAC पर तैनात किए गए आर्मी टैंक का भी निरीक्षण किया। सेना प्रमुख ने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जिन जवानों से मुलाकात की, उन्हीं के कंधों पर ईस्टर्न लद्दाख में LAC को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है। आर्मी के मुताबिक नरवणे आर्मी की फॉरवर्ड पोस्ट रेचिनला भी पहुंचे। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ इन दिनों -40 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। ऐसी स्थिति में भी यहाँ जवान मुस्तैदी से तैनात हैं।
इजराइल में 2 साल में चौथा चुनाव होगा। गठबंधन सरकार सिर्फ 7 महीने चली। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार मंगलवार को गिर गई। अब यह साफ हो गया है कि देश में अगले साल फिर चुनाव होंगे। 2 साल में यह चौथा मौका है जब इजरायली नई सरकार के लिए वोटिंग करने निकलेंगे। नेतन्याहू की लिक्विड और रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स की ब्लू एंड व्हाइट पार्टी ने मई में गठबंधन सरकार बनाई थी, क्योंकि उस चुनाव में भी किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू की सरकार पर संकट पिछले महीने ही मंडराने लगे थे। गठबंधन नेता गेंट्स का आरोप था कि नेतन्याहू देश से ज्यादा फोकस अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटने में कर रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई की मार। इमरान के राज में 30 रुपए में एक अंडा, 1000 रुपए किलो अदरक और 60 रुपए किलो गेहूं बिक रहा। एक अंडे की कीमत 30 रुपए, 104 रुपए किलो चीनी तो वहीं 60 रुपए किलो गेहूं और 1000 रुपए किलो अदरक। ये रेट किसी बड़े होटल के नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में मिलने वाली रोजमर्रा की जरूरत के सामान के हैं। नया पाकिस्तान बनाने का नारा देने वाले प्रधानमंत्री इमरान खान चीनी के दाम कम करने का दावा कर चुके हैं और खुद को शाबाशी दे चुके हैं, लेकिन असलियत यह है कि यहां महंगाई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आटे और चीनी के दाम को कम करने के लिए इमरान खान लगातार कैबिनेट और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आईसीसी टी20 रैंकिंग, सिफर्ट और सऊदी कैरियर बेस्ट रैंकिंग पर पहुंचे। कोहली 7वें और राहुल 3रे स्थान पर। टॉप 10 में कोई भारतीय बॉलर नहीं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। वे बल्लेबाजी के रैंकिंग में 8वें स्थान से उठकर 7वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं लोकेश राहुल 3रे पायदान पर काबिज हैं। गेंदबाजों की रैंकिंग में कोई भी भारतीय गेंदबाज टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सका। वहीं न्यूजीलैंड की टीम सिफर्ट और टीम सऊदी ने अपना बेस्ट रैंकिंग हासिल किया है। मिनटों में भर जाएगा आपका आईटीआर फॉर्म। सहूलियत के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया झटपट प्रोसेसिंग। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप अब झटपट में कर सकते हैं। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर 1 और 4 के लिए झटपट प्रोसेसिंग सेवा शुरू की है। इसकी मदद से आप फाइनेंशियल ईयर 2020-21 फाइल कर सकते हैं। बता दें कि वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में अब बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में आपकी सहूलियत के लिए आईटी विभाग इस झटपट प्रोसेसिंग सर्विस को लेकर आई है। साप्ताहिक आधार पर कीमतों में बदलाव, अब हर हफ्ते तय होंगे एलपीजी सिलेंडर के दाम। सरकार कर सकती है ऐलान। देश में अगले साल की शुरुआती मंथ से रसोई गैस सिलेंडर के दाम अब हर हफ्ते तय हो सकते हैं। फिलहाल ये दाम मासिक यानी महीने के आधार पर तय होते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में हर रोज होने वाले उतार चढ़ाव को देखते हुए पेट्रोलियम कंपनियां अब साप्ताहिक आधार पर कीमतों में बदलाव का ऐलान कर सकती हैं। तेल कंपनियों का कहना है कि ऐसा करने से कंपनी और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। कारोबारी हफ्ते में लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी दर्ज की गई। सेंसेक्स 437.49 अंकों की बढ़त के साथ 46,444.18 के स्तर पर बंद हुआ है। दूसरी ओर निफ्टी 134.80 अंक ऊपर यानी 13,601.10 के स्तर पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 71 रुपए गिरकर 50,010 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो वहीं चांदी 209 रुपए बढ़कर 67,080 रुपए प्रति किलोग्राम हुई।